हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि MIUI 13 की बात सभी फोन्स में आपको स्मार्ट साइड बार का फीचर देखने को मिल जाता है। बट दोस्तों, अगर आपके पास 4GB का मॉडल है तो फ्रेंड्स 4GB के मॉडल्स में देखेंगे जो स्मार्ट साइड बार का फीचर्स है वो ऑफिशियली तो देखने को नहीं मिल चुका। जैसे कि दोस्तों बात करेंगे, पोको M2 प्रो डिवाइस है, रेडमी नोट 9 प्रो है, नोट 9 प्रो मैक्स है, पोको M3 प्रो डिवाइस है, काफ़ी सारे ऐसे 4GB के मॉडल्स है जिसमें MIUI 13 के बाद स्मार्ट साइड बार का फीचर तो देखने को नहीं मिला है। बट दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वालों कि कैसे आप अपने फोन में, जैसे कि 4GB का मॉडल है, पोको का हो, शॉमी का हो, रेडमी का हो, किसी भी ब्रांड का फोन हो, आप अपने फोन में MIUI 13 के बाद तुरंत यहाँ पे स्मार्ट सर्च बार फीचर को इनेबल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसे इनेबल करना है आज के इस वीडियो में बताने वाला, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए। सो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे पोको M2 प्रो डिवाइस को यहाँ पे लिया है। वैसे दोस्तों, अगर आपके पास नोट 9 प्रो है, नोट 9 प्रो मैक्स है, एवं दोस्तों पोको M3 प्रो का डिवाइस हो या फिर किसी भी टाइप का 4GB वाला वेरिएंट हो, ये सेम प्रोसेस आप उस फोन में कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे फोन में MIUI 13.0.2.0 का लेटेस्ट वर्जन है, एंड आप देख सकते हैं मेरे जो फोन है 4GB वाला वेरिएंट है। वैसे दोस्तों, अपडेट इंस्टॉल करने के बाद भी आप देख सकते हैं स्पेशल फीचर्स में जाने के बाद मुझे वीडियो टूल बॉक्स का भी फीचर देखने को मिल जाता है। एवं दोस्तों फ्लोटिंग विंडोज में जाएंगे, सो फ्लोटिंग विंडोज में जाने के बाद ही मुझे स्मार्ट साइड बार का फीचर देखने को नहीं मिलता। सो फ्रेंड्स, आपको क्या प्रोसेस करना है, सबसे पहले आपको जाना है अपने सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको जो एप्स अपडेटर है, सो यहाँ पे सिस्टम एप्स अपडेटर में जाना है। एंड अगर आपके फोन में यहाँ पे मी सिक्योरिटी ऐप का लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल जाता है तो यहाँ से उसको अपडेट कर सकते हैं, या फिर गेट्स ऐप में जाना है। एंड गेट्स ऐप में जाने के बाद आपको यहाँ पे मी सिक्योरिटी ऐप्स का लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल जाएगा तो उसको अपडेट करना है। वैसे दोस्तों, लेटेस्ट आपको 7.2 का वर्जन ही, मतलब कि मी सिक्योरिटी ऐप का जो लेटेस्ट अपडेट है, नवंबर मंथ का अपडेट है, जस्ट आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। एंड अगर आपके फोन में ये अपडेट देखने को नहीं मिलता है तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप है या फिर चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं आपको APK फाइल शेयर करूंगा। या फिर दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे Xiaomi का जो सिक्योरिटी एप्लीकेशन है 7.2 का, उसका भी APK फाइल आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जस्ट आपको डाउनलोड करना है, एंड डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, मी सिक्योरिटी ऐप का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको इंस्टॉल कर लेना है। सो इंस्टॉल करने के बाद आपको रिसेंट टैब्स से सारे के सारे टैब्स को रिमूव करना है। एवं दोस्तों, अगर आपके फोन में ज्यादा कुछ लैगिंग या फिर ज्यादा कुछ बग्स वगैरह देखने को मिल जाता है तो जस्ट आपको एक बार फोन को रिबूट करना है। एंड दोस्तों, फोन को रिबूट करने के बाद आप देख सकते हैं सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद स्मार्ट फीचर्स, मतलब कि स्पेशल फीचर्स में जाएंगे तो आपको फ्लोटिंग विंडोज के अंदर यहाँ पे साइड बार का फीचर देखने को मिल जाएगा। एंड यही से आप अपने फोन में साइड बार फीचर को इनेबल कर सकते हैं। अगर आपको कस्टमाइज करना है तो कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मल्टीपल एप्लीकेशन अगर आपको ऐड करना है तो मल्टीपल एप्लीकेशन ऐड कर सकते हैं। गेमिंग से एवं दोस्तों, अगर आपको वीडियो टूलबॉक्स जैसे काफी सारे एप्लीकेशंस ऐड करना है तो उसको ऐड भी कर सकते हैं। एंड अगर आपके फोन में फ्लोटिंग विंडोज का सपोर्ट नहीं है तो यहाँ पे साइड बार फीचर के जरिए फ्लोटिंग विंडोज सपोर्ट भी इनेबल कर सकते हैं। एंड दोस्तों, जो साइड बार का फीचर है, लेटेस्ट फीचर है, मतलब कि दोस्तों अगर आपको पोजिशन को भी चेंज करना है तो लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं जो साइड बार का फ्लोटिंग बार है उसको भी पोजिशन को चेंज कर सकते हैं। लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऊपर नीचे, जहां चाहिए आप अपने हिसाब से उसको अरेंज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप अपने 4GB के मॉडल्स में इस मेथड से स्मार्ट साइड बार फीचर को इनेबल कर सकते हैं, वो भी MIUI 13 अपडेट के बाद। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ चुका होगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।